तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम इनसाइड करेंगे यहाँ पे SP107E। ये जो कंट्रोलर है वो पिक्सल एलईडी का कंट्रोलर है, और पिक्सल एलईडी के बहुत सारे कंट्रोलर ऐसे हैं जो मतलब हमको नहीं पता है कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या आता है, क्या पार्ट यूज किए हुए होते हैं और ये किस तरीके से मतलब बना हुआ होता है। तो आज के वीडियो में हम SP107E जो म्यूजिक कंट्रोलर है आपको दिख रहा है उसी कंट्रोलर को खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है और मतलब ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या पार्ट है, कौन सी आईसी है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो बने रहे आज के वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा व्लॉग का चैनल है, तो स्मार्ट इंडिया व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करो, mayurmachi_1। तो यहाँ पे हम इसे खोलते हैं। सब ऊपर क्या क्या मेंशन है वो तो सब आपको पता ही होगा ना, ये मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऑडियो इनका जैक दिया हुआ, ये दो सप्लाई के वायर है, यहाँ पे आप 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। यहाँ पर भी जो हमारी एलईडी होती है ना उसको कनेक्ट किया जाता है, तो कॉमन वायर है, डेटा का वायर है, क्लॉक का वायर है और VCC का वायर है, ठीक है। ये क्लॉक के वायर को हम यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, कोई डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बताएंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसे खोलते हैं। कहाँ से खुलेगा ये? कोई नट बॉल तो है ही नहीं, डायरेक्ट ही है मेरे ख्याल से। बहुत ही मजबूत है यार। तो यार देख सकते हो आप लोग, बाहर निकालते हैं यार उसको। कहाँ अटका है? ओके, तो इसे हम कर देते हैं साइड पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि यार कितना मतलब बहुत टेक्नोलॉजी है यार SP107 में। देख सकते हो आप माइक्रो कंट्रोलर आईसी कौन सी यूज़ की हुई है। यहाँ पे इनपुट जैक दिया हुआ है, ये जो मैंने बताया ना सप्लाई के वायर है, ये कैपेसिटर देखो जैसे कंप्यूटर में यूज़ किए हुए रहते ना वही कैपेसिटर है, मतलब इसकी लाइफ बहुत है। और ये माइक्रोफोन है गाइस, तो ये डायरेक्ट माइक से भी वर्क करता है, पिक्सल एलईडी को वर्क करता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिग्नल के लिए ये चीज़ यूज होती है। और ये सप्लाई का ये डायोड है, ये मतलब पावर सप्लाई विभाग है। और यहाँ पे ये ब्लूटूथ आईसी है आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये उसका एंटीना दिया हुआ है, तो ये ब्लूटूथ है। इसमें आपको एक बात पता है कि यहाँ पे जो भी वोल्ट दोगे ना आप, मतलब 5 दोगे तो 5 यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे आप 12 वोल्ट दोगे तो 12 ही निकल जाएंगे। तो मतलब हमने यूज़ की है 2811, ठीक है, पिक्सल एलईडी, तो यहाँ पे 5 ही देने होते हैं। अगर यहाँ पे भले लिखा हुआ है कि आप दे सकते हो 5 से 24 तक, लेकिन अगर आपने 24 दे दिए, 24 वोल्ट दे दिए, तो ये हमारी एलईडी जल सकती है, ये सीखने वाली बात है। बस यहाँ पे यार आईसी नंबर तो नहीं दिख रहा है, शायद ही आपको दिखे, लेकिन उसकी जो बनावट है ना वो मुझे बहुत पसंद आई यार, बहुत बढ़िया बनावट है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और एक बार तो क्या हुआ था पता है, गलती से यहाँ पे 220 वोल्ट दे दिए थे एक बंदे ने, तो मतलब हम बैठे थे और एक रैंडमली बंदा आया तो वो डायरेक्ट प्लग में डाल दिया कि भाई ये कैसे चलता है। तो भी मतलब ये कंट्रोलर ख़राब नहीं हुआ था, मतलब 3-4 सेकंड तक रहा था वो, लेकिन जो एलईडी है ना वो जल गई थी पूरी, लेकिन कंट्रोलर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो गाइस यार ये बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो तो इसे कर सकते हो, इसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ये ऑडियो को भी मतलब व्यूमीटर से भी काम करता है, मतलब ये साउंड के हिसाब से चलाता है एलईडी को, ठीक है। और कैपेसिटर 35 वोल्ट का है, वाव, और एक है 16 वोल्ट का। फिल्टर्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं देख सकते हो ना, और ये डायोड,
सभी माइक्रो टेक्नोलॉजी एकदम माइक्रो पार्ट यूज़ किए हुए हैं और ये बहुत बढ़िया है यार सच में। देखो इस तरीके के माइक्रो कंट्रोलर आपने कभी देखे है कहीं? ये तो ब्लूटूथ आईसी है लेकिन ये है ना उधर पूरा मसाला इसमें भरा हुआ होता है। तो यार ये बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर है मेरे हिसाब से। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, काफ़ी बंदों ने देखा भी होगा लेकिन जिन बंदों ने नहीं देखा कि भाई पिक्सल एलईडी एसपी 107 ई कंट्रोलर कैसा होता है, तो ये इस तरीके का होता है, मुझे बताना था। ठीक है, इसकी इनसाइट ज़रूरी थी कि भाई अंदर क्या है, और उसमें आपको मतलब 2-3 पॉइंट भी सीखने को मिले होंगे। तो आप क्वालिटी तो देख ही लिए आपने, देखो बैंड टेस्ट भी कर लेते हैं, मतलब मजबूत है यार, देख सकते हो आप फ्रेम वगैरह। ओके यार, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा है ये कंट्रोलर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बस आज के वीडियो में यही था, मुझे यही इंसाइट करके बताना था कि भाई बहुत सारे बंदों के कमेंट भी थे कि ये कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, सो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर तो बेल का आइकन ज़रूर दबाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।